Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to cover your environmental economics topic and your development topic. Environmental economics वाले topics में से ज्यादातर आपसे market failure के ऊपर या फिर pollution related जितनी आपकी theories हैं उसमें आपके economic participants को क्या करना चाहिए, आपकी government को क्या करना चाहिए, उसका solution क्या होता है, ऐसी externality का वो आप स्टडी करते हो एंड इन योर डेवलपमेंट पार्ट यू एक्चुअली स्टडी कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर इकोनॉमी एंड अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है या नहीं, कौन सी जो कंट्री है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है. फॉर एग्जांपल यू एक्चुअली स्टडी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट क्या है, आपकी वेज प्राइस जो डिस्पैरिटी है मेल और फीमेल की वो क्या चल रही है, जस्ट टू नो कि आप एक डेवलपमेंट के पाथ पे हो या नहीं. This particular topic is very important for your UGC NET और I know कि most of you tend to leave this topic क्योंकि ना ही आपके masters में कभी आपको ये आपने topic पढ़ा है, ना ही आपकी graduation में. उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बहुत सारे concepts आपके लिए लेके आई हूँ जिससे हम concepts पढ़ेंगे और अपने MCQ questions को solve करेंगे. अगर आप ये topic revise कर रहे थे तो आपके लिए एक MCQ questions की यहाँ पे एक बहुत अच्छी collection है जहाँ से you could actually test कि आपकी revision कैसी चल रही है for this particular exam. So before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So starting with your question number one, which of the following are the wrong assertion about your course theorem? So you need to select the wrong assumption. So please concentrate on the word wrong. First is your, the course theorem has taken consideration about the transactional cost. Second is, there might be a case of free riding in the perfect competitive setup. There, the property rights are well defined. And fourth is your, no income effect or wealth effect is imposed on the course solution. So you need to select the correct code here and please let me know in the chat box and in the comment section ki aapko kya lag raha hai, iska answer kya hai, and we'll learn the concept together. So first assumption is your zero transactional cost. Course theorem ko samajhne se pehle aapke dimaag mein hamesha hi ek ye picture aa jani chahiye, ek to ye pollution creator ki aur ek farmer ki jo jis par pollution ka impact ho raha hai. अब ये जो इंडस्ट्री है, जैसे एक थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से एक सोशल कॉस्ट भी है उसकी कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. सेकंड इज ये सोशल बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपकी बहुत सारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं या फिर इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज हैं वो डिपेंड करती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर इकोनॉमी. तो किसका लॉस और किसका बेनिफिट का एनालिसिस ज्यादा है कि या तो सोशल कॉस्ट ज्यादा है पोल्यूशन क्रिएटर की या सोशल बेनिफिट ज्यादा है, उसी को एनालाइज करेंगे हम यहाँ पे ताकि हम एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे पहुंच पाए. परेटो एफिशिएंट पॉइंट कि हम जो पुरानी सिचुएशन थी जिसमें एक पोल्यूशन कोई क्रिएट कर रहा है और जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल इस फार्मर पे, तो उसको एक बैलेंस आउट हो जाए और हम एक बेटर पोजिशन पे पहुंच जाए. तो उसी के एनालिसिस में कोर्स कहता है कि देयर इज नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट. ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कब आएगी, जब ये दोनों बार्गेन करेंगे कि जो या तो पॉल्यूशन क्रिएटर जो पॉल्यूशन को जिसका इंपैक्ट हो रहा है उसको पे कर दे. फॉर एग्जांपल ये थर्मल पावर प्लांट या तो फार्मर को पे कर दे या फार्मर पे कर दे थर्मल पावर प्लांट को कि प्लीज टेक दिस मनी एंड प्लीज डू नॉट क्रिएट अ पॉल्यूशन, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से मेरी जो क्रॉप्स हैं उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल क्लीन एनवायरमेंट यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्टी है. अब क्लीन एनवायरमेंट को कौन ओन करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लीन एनवायरमेंट को ओन कर सकता है आपका फार्मर या फिर ओन कर सकता है आपका पॉल्यूशन क्रिएटर, बट दिस इज वेल डिफाइंड, मतलब किसी ना किसी के पास ये प्रॉपर्टी होगी ही होगी. फॉर एग्जाम्पल क्लीन एनवायरमेंट कुड बी टेकन अप एज लैंड, सम प्रॉपर्टी लाइक लैंड, कि अगर आपका जो लैंड है उसके ऊपर कोई भी आप उसको लीज आउट करते हो तो यू गेट अ रेंट. तो अगर एक क्लीन एनवायरमेंट का प्रॉपर्टी राइट किसी ना किसी के पास है और जो भी उसको इफेक्ट करता है, जो भी क्लीन एनवायरमेंट को यूज करता है, फॉर एग्जांपल ये पोल्यूशन क्रिएटर, उसको कुछ ना कुछ पैसे पे करने होंगे. सो दिस इज योर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स. इसका एक दूसरा एक्सट्रीम केस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं विच इज कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रास लैंड है
और उस पे किसी का भी राइट नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये कॉमन्स है, कॉमन एरिया है ये, और इस यहाँ पे कोई भी अपने ग्रास इस ग्रासलैंड में ग्रेस करवाने के लिए गोट्स को लेके आ सकता है। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे टू यूज दिस ग्रासलैंड, और क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे जो ग्रासलैंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका किसी पर प्रॉपर्टी राइट तो है नहीं किसी का, तो कोई भी लायबल भी नहीं है इसको ग्रासलैंड में वेल फंक्शन करने के लिए। तो जब किसी पे टैक्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग होगी आपके कॉमन्स की, आपके ग्रासलैंड्स की, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रासलैंड्स ही खत्म हो जाएंगे, एंड दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग हेयर। आपकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं दे आर वेल डिफाइंड। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। सो वी आर कंसिडरिंग कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है कोई भी एसिमेट्री नहीं है। एसिमेट्री से क्या होता है, आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो सकती है या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट हो सकती है, तो दैट इज नॉट द केस हेयर। फोर्थ इज योर नो इनकम और वेल्थ इफेक्ट इम्पोज्ड ऑन द कोर्सियन सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो अजम्पशन कि वेल्थ और इनकम का इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। सो फ्री राइडिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज अ टैक्स पेयर, वो भी एक रोड को यूज करेगा जिसके रिवेन्यू से गवर्नमेंट ने रोड बनाई है, और समवन हु हैज नॉट पेड द टैक्स वो भी उस रोड को यूज करेगा। जिसने टैक्स भी पे नहीं किया और वो रोड को भी यूज कर रहा है वो एक्चुअली एक फ्री राइडर है उस रोड का, और ऐसा कोई भी केस कोर्ट ने नहीं लिया है। सो ही सेज कि देर इज नो फ्री राइडिंग। अब इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे आएगा, कि या तो जो पॉल्यूशन क्रिएटर है उसका बेनिफिट इतना ज्यादा हो रहा है कि उसमें से कुछ सरप्लस बचता है वो फार्मर को दे दे इन सच अ वे कि जो पॉल्यूशन क्रिएशन से जो भी नुकसान हो रहा है फार्मर का उसको वो मिल जाए। एंड नेक्स्ट इज कि फार्मर कहे कि भी आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन सो यू टेक द मनी। उन दोनों की इक्विलिब्रियम से यू विल गेट सम बार्गेन्ड क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन रेट। आप डिपेंड करेगा ये दोनों की बार्गेनिंग पावर से कि किसके पास एक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स हैं और किसके पास कितनी वॉइस है इकोनॉमी में, ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर से इम्पैक्ट कर पाए दूसरे के सोल्यूशन को। सो दिस रीच एक्चुअली अ सोशली बेनिफिशियल पॉइंट फ्रॉम दिस कोर्स थ्योरम। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये बताना है विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन। नाउ यू नो कि जो फर्स्ट पार्ट है, The course theorem has taken into consideration about a transactional cost. This is actually a wrong. So, ये आपके option में होनी चाहिए। क्यों गलत है? क्योंकि उसने कहा transactional cost तो zero होती है। Second is there might be a case of free riding in the perfectly competitive setup. This is also wrong. क्यों गलत है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि perfectly competitive एक setup तो है, लेकिन free riding की कोई भी problem नहीं है। So now you know your correct option is C. C is your correct answer, and I hope you have been answering in the chat box. Let's discuss the next part. Next question is chain migration. Chain migration is based on your job opportunity, B is your kinship, C is proximity to place of earlier residence, and D is combination of your part A and B, and you need to select the correct option. And please let me know in the chat box what is your correct answer, and we'll discuss the concept. So when the migration occur from a particular town where people follow the ones who have left before, that is actually a chain migration. For example, एक कोई बंदा है पहले कहीं किसी टाउन में चला जाता है। For example, बहुत सारे लोग actually पंजाब से कनाडा जाते हैं in search of your job opportunities or better living standard. लेकिन पहला तो कोई भी बंदा होगा जो कनाडा गया होगा। So, एक ऐसा बंदा जिसके पीछे और बहुत सारे लोग चले गए बिकॉज दे वर बिलोंगिंग टू सेम प्लेस, तो ये किनशिप है। किनशिप की वजह से एक चेन माइग्रेशन हो रही है कि एक बंदा गया उसको देख के उसी के टाउन के और भी बहुत सारे लोग जाते रहे और बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन हो गई। दिस इज योर चेन माइग्रेशन एंड दिस मेक्स अ चेन। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि करेक्ट आंसर जो है वो बी है, किनशिप। क्योंकि किनशिप की वजह से यू आर एक्चुअली सीइंग कि आप माइग्रेट करोगे या नहीं करोगे। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट कॉज अ मार्केट फेलियर। ए इज योर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, बी इज योर मोनोपोली, सी इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी,
and D is perfect factor mobility. So, जो मार्केट फेलियर होता है उसका मतलब क्या है? मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी जो मार्केट है वो क्लियर नहीं कर पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, योर डिमांड एंड योर सप्लाई दे आर नॉट इक्वल. उसमें एक इनइक्वालिटी आ गई है, वो अलग अलग रीजन की वजह से आ सकती है. बट इसमें हमें ये समझ में आ गया कि जो कुछ ना कुछ चीज की हमारे पास या तो सप्लाई की इन्वेंट्री बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2 kgs प्रोड्यूस कर रहे हो एप्पल के, तो ऐसा होगा कि इकोनॉमी में डिमांड होगी सिर्फ 1 kg ऑफ एप्पल की, और 1 kg ऑफ एप्पल जो है वो आपका पड़ा रह जाएगा, नोबडी इज गोइंग टू कंज्यूम इट. ये अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है. लेट्स डिस्कस दोज रीजंस. फर्स्ट रीजन इज योर एक्सटर्नैलिटीज. किसी भी तरीके की एक्सटर्नैलिटी, वेदर इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, लाइक आपको किसी के गार्डन में से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, सो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. एंड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज कि आपका जो पोल्यूशन है वो किसी को इफेक्ट कर रहा है गलत तरीके से. व्हेन यू गेट अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस अपने साथ वाले गार्डन में से, सो यू टेंड टू यूज लेस ऑफ रूम फ्रेशनर्स फॉर एग्जाम्पल. तो एक इम्बेलेंस आ जाएगा आपकी डिमांड और सप्लाई में. सो दीज आर योर एक्सटर्नैलिटी. क्योंकि इस बात को कि साथ आपके साथ वाले गार्डन में अच्छी खुशबू आ रही है, ये वाली बात तो कोई भी प्रोड्यूसर जज ही नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए वो डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करवा पाएगा. नेक्स्ट इज योर मोनोपोली. मोनोपोली के अंदर भी यही होता है कि आपको किसी ना किसी के पास ज्यादा पावर रहती है, और मोनोपोलिस्टिक जो सप्लायर होता है ही टेंड्स टू अंडर प्रोड्यूस. जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था उससे कम प्रोड्यूस करता है. क्यों कम प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसको ज्यादा प्राइजेस पे अपने कोई भी गुड बेचना है. तो इसीलिए वो भी एक आपकी डिमांड और सप्लाई के बीच में एक डाइवर्जन क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट इज योर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. अगर किसी इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी अबाउट द इकोनॉमी, तो वो अपनी उसको एक्सप्लॉइट करके एक एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेकेंड हैंड कार को सेल आउट कर रहे हो, तो जो सेल कर रहा है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि उसकी कार की कंडीशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ही बेकार है लेकिन वो आपको सेल कर जाएगा जस्ट शोइंग द गुड पार्ट्स ऑफ दैट कार, क्योंकि आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कार क्या एक्चुअली लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट रहेगा आपके लिए. सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर मार्केट फेलियर. नेक्स्ट इज योर फैक्टर इमोबिलिटी. फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी इकोनॉमी में जो फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल लेबर हो गया, लेबर जो है अगर वो मूव नहीं कर पाएगा तो एक फैक्टर इमोबिलिटी आ जाएगी. क्यों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका लेबर, उससे क्या होगा आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है, एंड ऑल दीज रीजंस लीड टू योर मार्केट फेलियर्स. सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर योर मार्केट फेलियर. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों ही मार्केट फेलियर का रीजन है. नेक्स्ट इज योर मोनोपोली. मोनोपोली इज ऑल्सो अ रीजन फॉर योर मार्केट फेलियर. एंड लास्टली यूएस परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी. हमने ये पढ़ा है कि इम्परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी होनी चाहिए फॉर योर मार्केट फेलियर. सो डी इज योर करेक्ट आंसर, विच डज नॉट कॉज द मार्केट फेलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज गिवन बाय अ वेरी हाई बर्थ रेट बट अ लो डेथ रेट. ये आपका जो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता है उसके ऊपर बेस्ड है, उस ग्राफ के ऊपर बेस्ड है. एंड यू नीड टू सिलेक्ट अ करेक्ट स्टेज. तो काइंडली सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं. सो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट. आपकी जो स्टेज वन है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम वर्सेस डेथ एंड बर्थ रेट आपने यहाँ पे दिया हुआ है. बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ पर 1000. एंड डेथ रेट क्या होता है? एग्जैक्टली सेम, डेथ पर 1000. सो आपका जो स्टेज वन है उसके अंदर जो आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों आप देखोगे बहुत हाई है. सो दिस ब्लू पार्ट इज योर डेथ रेट एंड द पिंक पार्ट इज योर बर्थ रेट. सो बोथ ऑफ दीज इन द स्टेज वन इज हाई. इन द स्टेज टू द बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज लो. एंड इन द स्टेज थ्री योर बर्थ रेट इज ऑल्सो फॉलिंग एंड योर डेथ रेट इज ऑल्सो फॉलिंग. एंड इन द फोर्थ स्टेज बोथ ऑफ दीज आर लो.
एक 100% डेवलपमेंट की स्टेज आ गई है जहाँ पे आपके बर्थ रेट को भी आपने कंट्रोल कर लिया है और आपकी जो डेथ रेट है उसको भी कंट्रोल कर लिया है। डेथ रेट फॉल होता जाता है जब आपकी डेवलपमेंट इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि नाउ यू हैव मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स निकल के आते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव एक्चुअली अ मॉडर्न सेट ऑफ डॉक्टर्स जो किसी भी बीमारी के साथ डील कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो डेथ रेट है वो फॉल करता रहता है। एंड सेम इज विद योर बर्थ रेट जो कि डेवलपमेंट के साथ चलता रहता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि हाई बर्थ रेट हो और लो डेथ रेट हो। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड स्टेज। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका डेथ रेट है वो कम है एंड योर बर्थ रेट इज मोर, सो यू नो योर आंसर इज बी। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेशनरी पिरामिड इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर ए पार्ट इज व्हेन देयर इज एन अनचेंजिंग पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी। बी पार्ट इज जीरो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सी इज मोर ऑफ ग्रेइंग पॉपुलेशन। ग्रेइंग पॉपुलेशन मतलब आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा जो लोग हैं दे आर मोर देन 65। सो ये आपका सी पार्ट है। डी पार्ट इज नन ऑफ द अबव। सो यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या है। वी लर्न द कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक पॉपुलेशन पिरामिड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है दैट इज अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। ये आपका एक पॉपुलेशन पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और यहाँ पे अपने वाई एक्सिस पे एज ग्रुप ले रहे हो, और दो सेक्शंस बना दिया आपने यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए। तो ये वाला जो स्टेज आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये एक स्टेशनरी स्टेट है। इससे हेल्प क्या होती है हमें, एकदम से जो आपका ग्राफ है उसको देख के एकदम से पता चल जाता है कि आपकी इकोनॉमी की क्या स्टेटस है, मेल और फीमेल का क्या इम्बेलेंस चल रहा है इकोनॉमी में। लेकिन वी नीड टू स्टडीज द स्टेशनरी स्टेट। अब जो स्टेशनरी स्टेज है वो आपके स्टेबल स्टेट का एक पार्ट है। तो स्टेबल पार्ट में हम ये कहते हैं कि जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है और आपकी फर्टिलिटी रेट है वो आपका कांस्टेंट हो गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सो रेट्स एक्चुअली बिकम जीरो। स्टेशनरी स्टेट उसका एक पार्ट है जिसके अंदर हम कहते हैं देयर इज अ जीरो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो नाउ यू नो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसको, इस ग्राफ को अगर आप देखो तो स्टेशनरी स्टेट का आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा कि हर एक एज ग्रुप पे वही चल रहा है, वही ग्रोथ रेट और वही पॉपुलेशन परसेंटेज चल रही है, कि आपकी जो इकोनॉमी है उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक कांस्टेंट हो गया। ये मोस्टली एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में बहुत होता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में एग्जैक्टली यही ग्राफ निकल के आता है स्टेशनरी स्टेट का, जिसके अंदर आपकी जो ग्रोथ रेट है ऑफ योर पॉपुलेशन वो जीरो हो चुकी है, एंड ना ही आपकी जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, ना ही आपकी जो डेथ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। सो यू आर ऑन अ स्टेशनरी स्टेट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्टेबल स्टेट। सो दिस कंप्लीट्स योर ग्रोथ वाला टॉपिक, डेवलपमेंट वाला टॉपिक एंड योर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स टॉपिक। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट वी कुड पिक अप दोज टॉपिक्स, और मैं आपकी जैसे भी हेल्प कर पाऊँ प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अभी वी शुड नॉट वरी अबाउट द एडमिट कार्ड्स, कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। यू आर नॉट सेलिंग अलोन इन दिस बोट। अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस नोटिफिकेशन एंड वी कुड बी वेरी होपफुल कि नोटिफिकेशन आ जाएगी और हम अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमने ये वाली गलती पहले भी की थी कि हम थोड़े से लीनेंट हो गए थे अपनी प्रिपरेशन के लिए और ये वाली नोटिफिकेशन एकदम से आ गई थी। एंड वील कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।